खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के आखिर वो कौन से कंटेस्टेंट्स हैं भाई जिनको बिग बॉस का ये टाइटल मिला है? क्या है पूरी अपडेट, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12, जी हाँ, ये एक ऐसा सीजन बन गया है जहां पर बिग बॉस जैसी चीजें हो रही हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, चलाकियां हो रही हैं और रिश्तों में दरार आ रही है। ये सब हमें इस सीजन में देखने को मिल रहा है, जैसे कनिका और रुबीना का हुआ, फिर मोहित और रुबीना का हुआ, तो ऐसी सारी चीजें चल रही हैं। कभी प्रतीक रूल्स नहीं मानते हैं, अपने मन का करते हैं, तो इन सभी चीजों को जो ऑडियंस बाहर बैठ के देख रही है, उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो बिग बॉस जैसा ही थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो आपको बताना चाहूंगी कि बिग बॉस के अगर बात की जाए तो रुबीना दिलैक, निशान भट्ट, प्रतीक सहजपाल और कई सारे ऐसे जो कंटेस्टेंट्स हैं, मतलब स्पेशली रुबीना दिलैक को लेकर बोला जा रहा है कि वो बिग बॉस जैसा माहौल बना रही हैं घर के, मतलब इस शो के अंदर। तो आपको बताना चाहूँगी वैसे ही मोहित मलिक को अगर देखा जाए तो मोहित मलिक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही दमदार तरीके से अपने सारे स्टंट्स कंप्लीट कर रहे हैं बिना खतरों से डरे, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इनको। इनकी लड़ाई भी, मतलब बहस हुई थी हल्की सी रुबीना दिलैक के साथ, और उस चीज़ को देखने के बाद भाई लोग चाहते हैं कि ये तो बंदा बिग बॉस 16 में आना ही चाहिए। इनफैक्ट नाम भी उनका सामने आ रहा है फॉर बिग बॉस 16, तो लोग चाहते हैं कि ये भाई बिग बॉस 16 में आना चाहिए, ये बहुत ही आइडियल कैंडिडेट है फॉर बिग बॉस 16। आगे रुबीना दिलैक, तो रुबीना दिलैक के तो हम जानते हैं क्योंकि जो लॉयल फैन बेस है फ्रॉम बिग बॉस सीजन 14, वो उनसे बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्टेड हैं, उनको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी लोग पसंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि भाई रुबीना दिलैक से भिड़ोगे तो फिर ऐसा तो होना ही है। आगे तुषार कालिया को भी मास्टर माइंड बोला जा रहा है, जी हाँ, मास्टर माइंड की ये बंदा मास्टर माइंड है, इसको भी आना चाहिए। फिर कनिका मान की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो क्यूट सा इनोसेंट सा इमेज है, पर फिर भी वो जो परफॉर्म करते समय उन्होंने गूगल किया था इन्फॉर्मेशन ये वो, तो इन सारी चीज़ों को देखकर लोग चाहते हैं कि ये भी हिस्सा बने। एंड ऑल्सो जन्नत जुबैर की अगर मैं बात करूँ तो उनका नाम सामने आ रहा है, लेकिन लोग थोड़े ये कि उनको आना भी चाहिए नहीं भी आना चाहिए। तो आप सभी से हम जानना चाहेंगे आप इनमें से किन को देखना चाहते हैं और क्यों, बता दीजिए कॉमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए फीफा फूज इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।